पाकिस्तान के T20 कप्तान बाबर आजम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली को डराया। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप में महामुकाबला भारत और पाकिस्तान का तो होने वाला है, लेकिन उससे पहले कप्तान बाबर आजम फॉर्म में आ चुके हैं, चौके छक्कों की बरसात कर रहे हैं, इसके अलावा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच में 3 मैच की T20 सीरीज के लिए पहला मुकाबला तो पाकिस्तान ने गंवा दिया था, उसके बाद दोनों मुकाबले पाकिस्तान ने जीत लिए और तीसरे मुकाबले में तो कप्तान बाबर आजम ने जीत में अहम भूमिका निभाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया और विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए अब T20 के किंग बाबर आजम बन गए। दरअसल T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 50+ रन बनाने वाले खिलाड़ी सबसे पहले नंबर पर अब बाबर आजम आते हैं। बाबर आजम ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। विराट ने 38 बार 50+ का स्कोर T20 इंटरनेशनल में बनाया है तो रोहित शर्मा के नाम ये रिकॉर्ड 34 बार का है, लेकिन अब बाबर आजम के नाम ये रिकॉर्ड 39वीं बार का हो गया है। आयरलैंड के बेन वाइट के खिलाफ एक ओवर में तो बाबर आजम ने 4 छक्के लगा दिए। बाबर आजम के प्रदर्शन की बात की जाए तो 42 गेंदों का सामना करते हुए 75 रन बनाए, मैच विनिंग पारी खेली, 6 चौके लगाए तो 5 छक्के लगा दिए और स्ट्राइक रेट उनका 178 करा। ये वही बाबर आजम है जिनके ऊपर धीमी स्ट्राइक रेट के आरोप लगते हैं। कई सारे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि अगर दम है बाबर में तो वो एक ओवर में छक्के लगा के दिखाए 2 से 3, और अब बाबर आजम ने T20 में कारनामा कर दिखाया। बाबर आजम ने 50+ स्कोर बनाने के मामले विराट और रोहित को भी पीछे छोड़ दिया। अब वर्ल्ड कप में 9 जून को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला होने वाला है, उससे पहले बाबर आजम जो हैं वो फॉर्म में आ चुके हैं। मुकाबले की बात करें तो आयरलैंड ने सबसे पहले इस मैच में बैटिंग करते हुए 178 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। लॉरकन टकर जो कप्तान थे 73 रन बनाए और हैरी टेक्टर ने 30 रनों की पारी खेली। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए। अब्बास अफरीदी ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने जब पाकिस्तान की टीम उतरी तो सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान की ज़्यादा लंबी पार्टनरशिप तो नहीं रही, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने 56 रनों का योगदान दिया। उसके बाद बाबर आजम के साथ मिलकर एक अटूट साझेदारी की, बाबर आजम ने 75 रन बनाए। वहीं आजम खान जो विकेट कीपर है 6 ओवर में 18 रन जड़ दिए उन्होंने और मैच जो है वो जीत लिया। मार्क एडियर ने आयरलैंड की तरफ से 3 विकेट अपने नाम किए। तो ये पूरा लेखा जोखा रहा मैच का और साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को मिला। लेकिन बात यहाँ बाबर आजम की करे तो बाबर आजम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, चौके छक्के भी लगाए, पाकिस्तान में जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे उनको भी शांत कराया, उनको भी बताया कि वो किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं और T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा विराट कोहली समेत पूरी टीम इंडिया को डरा दिया। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम भारत को हरा चुकी है और वो भी 10 विकेट से। ऐसे में जब 9 जून को महामुकाबला होगा T20 वर्ल्ड कप का तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इतिहास के पन्नों में कौन सी टीम अपना नाम दर्ज करती है। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम ने अपना नाम किंग कोहली और रोहित शर्मा से ऊपर लिखवा लिया है।